तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो यार स्वागत है आप लोगों का पबजी मोबाइल के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार मैं मेल्ट आया हूँ और सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलूंगा यार बिल्कुल, क्योंकि यार जो अपने बंदे थे वो कहीं और ही उतर गए थे तो मैं मेल्ट आ गया था। और मेल्टा में यार बंदे आए हैं थोड़े बहुत, तो पेल लेंगे उनको जरूर। और मेरी तरह यार यहाँ एक और बंदा ऐसा है जो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है और मेरे से पंगे लेगा, तो देखो यार अब उसको मैं दिख गया था और मेरे पास गट्टा था तो मैं भागता हूँ। और भाई साहब ने स्प्रे दिया तो यार अब मेरे को भी उजी मिल गई थी और उसके पास भी उजी थी। तो जैसे ही भाई साहब मेरी साइड आ रहे थे तो मैं बाहर निकला और सीधा भाई की पेटी बन गई। तो उसके बाद यार एक और बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, अब मेरे को नहीं पता था ये इसी छत पे है या कहाँ है, तो भाई को यार यहीं क्लियर कर दिया मैंने इसको भी। और नाम देखो भाई का, बोट नानी, तो नानी का नाम बदनाम कर रहा है यार ये, पता नहीं क्यों अपनी। उसके बाद यार मैं मेडिकेट लगाता हूँ और सामने यार जो ये घर है इस पे से एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं नेट खींचता हूँ क्योंकि वो ऊपर की साइड भाग रहा था, और दरवाजे के पास फेंकता हूँ कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा और उसकी पेटी बन जाएगी या फिर नोक हो जाएगा। पर यार ऐसा होने नहीं वाला था बिल्कुल भी, क्योंकि भाई साहब अभी बीच वाले फ्लोर पर ही थे, सेकंड फ्लोर पर मतलब। और नशे देखो यार मेरे, नशे देखो भाई के, तो बाद में देखियो पहले मेरे नशे देखो। अब मेरे को फुटस्टेप तो यहाँ से आ रहे थे पर यह नहीं पता था बंदा कहाँ है, वो देखो यार। अब यार दोनों ही हम तो एक जैसे हो गए थे, इस भाई को तो मैं दिख गया था बिल्कुल ही और इसने यार पता नहीं क्यों नहीं स्प्रे दिया है। हाँ और नीचे से यार एक बंदा शॉटगन चला रहा था तो देखता हूँ उसे भी। अब ये भाई साहब बन हुआ है जो ये भाग के पता नहीं कहाँ ही जाना चाह रहे थे, तो इसकी यार इसको नोक कर देता हूँ मैं और नेड़ खींच के फेंकता हूँ उस पर नेड़ कहाँ फटने वाला है। इतने में इसका साथी जो है वो अंदर की साइड भाग जाता है इस घर में। तो इस भाई को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और यार हमारे जो तीन नंबर भाई साहब जहाँ उतरे थे उसकी भी मतलब पेटी पुट्टी बन चुकी है। और यहाँ से मैं निकल रहा था कि पीछे से यार मेरे को एक बोट दिखता है, तो इसे नोक करके मैं छोड़ देता हूँ कि यार खुद ही किल मिल जाएगा इसका। और आगे बढ़ता हूँ, वहाँ जाता हूँ जहाँ पे ये तीन नंबर मतलब क्लियर हुआ था, तो वहाँ पे क्योंकि बंदे थे यार तो वहाँ जाना सही रहेगा बिल्कुल। अब मैं जैसे ही गाड़ी में निकलता हूँ हमारा दो नंबर भाई साहब भी नोक हो जाता है और चार नंबर भाई साहब भी नोक हो जाते हैं, और साथ ही इनकी पेटियाँ यार वहीं तैयार कर देता है बंदा एक। तो यार ये साथ नहीं उतरे चलो वो बात अलग है, पर इनका बदला लेना तो बनता है बिल्कुल ही। और मैं यहाँ गड्डी रोकता हूँ अपनी और देखता हूँ इन बंदों को। अब सामने से यार एक बंदे ने दूसरे बंदे की पेटी बना दी, तो मैं यहाँ यार उसको देखता हूँ। अभी ये पैदल पैदल जा रहा था यार और यहाँ से स्प्रे मुझे लग नहीं रहा था सही जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा और लेट के स्प्रे दूंगा। तो यहाँ मैंने यार इसलिए से मौका नहीं दिया क्योंकि अगर इनको दिख जाता कि कोई ऊपर है तो हो सकता था ये मेरी पेटी बना देते, तो मैंने सीधा भाई को क्लियर ही किया मतलब। अब यार एक और बंदा मेरे को लेफ्ट साइड में अंदर से भागता हुआ दिखता है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब यार यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए थे, बाकी ने सब ने आपस में ही पेटियाँ बना ली थी यार, तो क्या ही कर सकते थे यार, किल कुल के नाम पे कुछ और मिला नहीं। तो मैं यहाँ काफ़ी देर वेट करता हूँ कि कोई बंदा दिख जाए और मैं स्प्रे स्प्रू दूँ उसे, पर यार कोई भी नहीं दिखता यहाँ पे, क्या ही कर सकते थे यार। और इस मैच में यार गलत काम मतलब ना हो ऐसा होने नहीं वाला बिल्कुल भी, इस मैच में भी गलत काम जरूर होएंगे आगे चल के। तो एक बंदा यार मेरी तरह मतलब अपने ऊपर मोली फेंक लेगा तो गलत ही काम होने वाला है यार बिल्कुल ही, बिल्कुल हमारे कम हो जाएंगे बिल्कुल वहाँ। तो मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि एक बोट भाई साहब और पधारे यहाँ पे, और
इस मैच में यार मतलब बोट जो है वो इस हिसाब से आ रहे हैं कि बंदे क्लियर कर और फिर मैं आऊंगा, तो ऐसे ही हो रहा है यार। पहले भी मेल्टा में मैं जैसे ही निकला था बंदे क्लियर करके, वहां से भी पीछे से एक बोट आ रहा था और यहां पे भी ऐसा ही हुआ। और गलत काम यार ही यहां से देखो कैसे चालू होएगा। अब यार गौर से देखो, यहां से मैं उतरता हूं और मैं जोन के अंदर हूं बिल्कुल, और मैं फ्लेयर चलाता हूं और फ्लेयर पे डब्बा भी छपा रहा है। तो उसके बाद यार मैं यहाँ वेट करूँगा और आप लोग भी वेट करो यार, इतना तक ड्रॉप नहीं आता। और यार देखो ऊपर की साइड क्या आ रहा है। तो यार ये चीज़ देख के ना मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया पबजी वालों से कि यार जब मैंने जोन के अंदर फ्लेयर चलाई तो BRDM भेजने का यार क्या ही मतलब है इनका, मतलब मेरे से ही दुश्मनी है क्या इनको कुछ। तो यार BRDM मेरे को चलानी नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं गड्डी उठाता हूँ अपनी और वहाँ से निकल लेता हूँ और आगे जाके यार मैं रजोक में जाऊँगा और वहाँ जाके बंदों को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ क्योंकि पहाड़ी पे यार एक गाड़ी दिखती है मेरे को, और यहाँ पे आने के बाद यार मैं सोचता हूँ कि यार छत के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से देखते हैं, ट्राई करके स्प्रे देंगे। यार गाड़ी तो वहां दिख रही थी, ये तो कन्फर्म था कि बंदा हो गई वहां जरूर, तो मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ पर यार एंगल सही से मिल नहीं रहा था यहाँ, तो मैं नीचे आता हूँ क्योंकि यार एंगल तो मिल रहा था, मतलब ये नहीं पता ना दूसरा बंदा कहाँ से गोली मार दे। तो एक बंदा दिखा था और 4x यार मेरे की सेटिंग जब ये गेम प्ले रिकॉर्ड किया तो बुरी तरह से ख़राब हो रखी थी, मैंने वैसे ही गलती से किसी बंदे की कॉपी कर ली और यार स्प्रे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एक बंदा यार सामने सड़क से भाग रहा था पैदल पैदल, और जैसा कि मैंने बोल रही था यार मैंने कॉपी करके बहुत बड़ी गलती कर दी किसी की सेटिंग की, तो मैंने अपनी जो बनाई थी वो ज़्यादा सही थी। तो यहाँ से आ रहा था मैं और एक और बंदे के फुट स्टेप आते हैं यहाँ, और यार ये भागने की कोशिश करता है, और यार ये वही बंदा है जिसने जो है मतलब स्टील की वेस्ट पहन रखी है बिल्कुल ही लेवल 10 की वेस्ट पहन के ये बंदा घूम रहा है। तो इसे यार मैं हद से ज़्यादा गोलियां मारता हूँ पर मतलब ही नहीं है यार, भाई साहब नोक हो जाए। तो वहीं जाके देखूंगा यार इसे। अब यार यहाँ पे मेरे को डर इसलिए लग रहा था क्योंकि राइट साइड से भी एक बंदा गया था, और अगर दोनों से स्प्रे दे दिया यहाँ तो अपना संदूक यहीं पे तैयार हो जाना। तो मैं मोली फेंकता हूँ और भाई साहब बाहर आएंगे बिल्कुल, और आग तो लग गई थी यार इसकी कमर में पर फूकिया नहीं भाई साहब बिल्कुल भी। तो इस भाई को क्लियर करने के बाद यार जो ऊपर बंदे बचे थे उनको देखता हूँ मैं, और यहां से एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं। और भाई साहब पता नहीं सांप बन के यहाँ क्या ही लूट कर रहे थे यहाँ। तो सामने से यार बंदा दिखता है एक बैठा हुआ, तो बार बार यार कहना अच्छा सा नहीं लग रहा है, सेटिंग ख़राब हो रही है मेरी, तो गड्डी उठाऊँगा मैं और वहीं जाके देखेंगे इनको। पीक लेते हुए भी यार डर इसलिए लग रहा था कि किसी बंदे ने जो है AWM वगैरह पटका दी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यार बहुत हो चुका था तो मैं गड्डी उठाता हूँ और सीधा वहीं पर रश करने वाला हूँ बिल्कुल। तो गाड़ी रोकता हूँ मैं और एक राइट साइड में बंदा दिखता है, तो उसकी तो यार मेरे सामने इस ऊपर वाले भाई ने पेटी बना दी, मतलब नोक पड़ा है वो, तो पेटी भी ये जल्दी बना देगा उसकी। तो मैं सोच रहा था यार क्यों ना इसका किल कुल चला लूँ, पर यार अगर मैं ऐसी गलती करता तो ये जो ऊपर वाला बंदा है ये मेरी पेटी बना देता है बिल्कुल ही। तो पहले इसी को देखेंगे यार।
तो ये अकेला बचा हुआ था, तो इसको तो यार मैंने क्लियर कर ही दिया, तो नीचे वाला बंदा यार ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया था, पता नहीं किसी ने कर दिया था। तो मैं बग्गी उठाता हूँ अपनी और निकलता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि यार लेफ्ट साइड में मेरे को एक बंदा भागता हुआ दिखा था। तो बहुत देर वेट करने के बाद यार मैं सोचता हूँ कोई आएगा आएगा, पर कोई नहीं आ रहा था, तो मैं निकलने की कोशिश करता हूँ और बंदा दिखता है एक। और यार बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस बंदे को क्लियर कर दिया यार। स्प्रे अपना 4x का बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा था। तो उसके बाद यार मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बंदों को देखेंगे यार। और यार अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो, क्या कर रहे हो बिल्कुल ही। वो पीछे की साइड यार ड्रॉप का धुआं मतलब था जो वो ख़त्म हुआ था ताजा ताजा, तो मैं देखता हूँ कि यार क्या पता बंदा बैठा हो वहाँ कोई, और गलत काम देखो यार क्या ही कर रखे ना ने, मतलब गड्डी जो है ड्रॉप के ऊपर चढ़ा रखी है। तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई भाई साहब दिख जाए यहाँ, तो देखो यार क्या ही कर रखे ना ने। इतने में यार एक बंदा गाड़ी लेके आता है और स्प्रे देता हूँ मैं, तो भाई साहब से गाड़ी ठुक भी गई थी, पर यार दो चार गोलियां इसके सिर में लगती हैं, पर यार रुकता तो नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो मैं क्या करता हूँ यार इसके पीछे गाड़ी लगाता हूँ कि क्या पता यार इसका किल मिली जाए मेरे को, तो गाड़ी निकालता हूँ मैं अपनी सल्फ मार के। और यहाँ से यार ये बंदा एमके चला रहा था, तो अभी ये मेरे को नहीं पता किस पे चला रहा था, तो ये वही बंदा है यार जो वहाँ से भाग गया था मेरे आगे से। तो इस भाई की भी सीधा पेटी बनती है, तो ये यार ये नहीं पता किसके ऊपर यहाँ एमके चला रहा था। तो मैं काफ़ी देर सपोर्ट करने की कोशिश करी यहाँ पर यार कोई बंदा दिखा नहीं था यहाँ, तो मैं अपनी गड्डी निकालता हूँ और ढूंढता हूँ बंदों को आगे जाके। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यार बंदा जो है मतलब बिल्कुल भी मेरे को पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं, तो मैं छत पे जाऊँगा और बंदे सपोर्ट करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट करता हूँ, और इतने में ही यार यहाँ पे जो है सामने की साइड से स्मोक जलती है, तो देखता हूँ मैं कि यार कहाँ से स्मोक जली कहाँ से नहीं। तो बंदा तो यार कोई भी स्पॉट नहीं होता यहाँ पे, और जोन भी यार अपने पास नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी निकाल लूँ यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे रुकने के बाद यार मेरे को लग ही रहा था कि वो जो सैग है ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में मतलब नीचे की साइड, तो वहाँ पे यार बंदे होंगे उसके अंदर ही, और वैसा ही होता है बिल्कुल। अब पहले सोच रहा था यार मैं गाड़ी निकाल लूँ, और इतने में ही यार M24 का शॉट पड़ता है, तो मैं भागता हूँ। और ये बंदे ऐसे हैं यार, अगर AR से स्प्रे देते तो बिल्कुल यार पेटी बन जाती मेरी यहाँ पे, और वैसा ही किया भाइयों ने। तो यार वहाँ पे जो ये अगर दरवाज़ा खोल के सामने से स्प्रे देते तो यार चिकन चुकन ले जाते बिल्कुल। तो यार एक बंदा ना नीचे की साइड कूद जा रहा, तो स्प्रे देता हूँ मैं, पर भाई साहब साथ ही कवर में चले जाते हैं। वो स्मोक देखो यार कहाँ गिरी। अब ये भाई साहब पता नहीं क्यों उछल कूद कर रहे थे यार, तो दो गोलियां लगी इसके खोपड़े में लगी, पता नहीं कहाँ लगी। अब नहीं यार मेरे हिसाब से ऐसी हरकत करने का बिल्कुल भी। तो यार बहुत देर रुकता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने सोच लिया था यार आगे बढ़ो और चिकन चुकन करो।
तो मैं नेट फेंकने की कोशिश कर रहा था, तो भाई साहब बिल्कुल ही स्प्रे देने की कोशिश कर रहे थे मेरे को, तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा यार नेट फेंकने की। अब नेट यार पता नहीं बाहर ही फट गया, पता नहीं कहाँ, तो बंदा तो नोक नहीं हो के दिया बिल्कुल भी। उसके बाद मैं यार मोली निकालता हूँ और फेंकता हूँ, पर मोली से कोई सहारा नहीं लगता। और इतने में ही हमारे भाई साहब भी मोली निकाल लेंगे और मेरे ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे, तो देखो यार क्या सीन होने वाला उसके साथ, मतलब मेरे वाला काम। तो इसी के साथ यार अपना चिकन डिनर हो जाता है। और यार ये बंदा जो है मेरे की तरह ही अपने ऊपर मोली फेंक लेता है, जैसा मेरे साथ कई बार होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और भी ऐसे गलत काम वाले गेम प्ले वीडियो के लिए।